नेक्स्ट इज नाइलोन। नाइलोन इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉल। कॉल से जो सिंपल केमिकल्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, उन्हीं से जो है सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। नाइलोन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये जो है फर्स्ट पहला जो है वो फुली सिंथेटिक फाइबर है। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, नाइलोन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लुस्टर्स इसके अंदर चमक होती है। नाइलोन को जो के जो है बहुत थिन फाइबर्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। नाइलोन जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसको जो है वॉश करना जो है ईजी होता है। इसमें रिंकल्स वगैरह सलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है घर्षण वगैरह एब्रेशन होता है घर्षण, तो इसके अंदर जो है घर्षण वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये नाइलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय फंगस मॉथ एक्सेट्रा। नाइलॉन जो है वो फंगस और मॉथ वगैरह के द्वारा जो है अटैक नहीं किया जाता, ये इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। और ये जो कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब इसके व्हाट आर द यूजेज ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन के जो हैं क्या क्या यूजेज हैं इसके, तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोर्ड्स फैब्रिक्स रॉप्स वगैरह बनाने में इसको यूज किया जाता है। फिशिंग नेट्स पैरासूट रॉप्स बनाने में, फॉर फैब्रिकेटिंग सीट्स ब्रशेज के ब्रिस्टल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। साड़ीज हैं, सॉक्स हैं, नेक टाइज हैं, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर मेकिंग इलास्टिक होजरी, जो होजरी का जो सामान होता है, ठीक है, तो जो इलास्टिक होजरी होती हैं उसको बनाने में यूज़ करते हैं, और मशीन पार्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब आता है पॉलिस्टर, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरेन, ये सारे क्या हैं बेटा, पॉलिस्टर फाइबर्स होते हैं ये। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पॉलिस्टर होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो है ये बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट यूनिट्स। जो पॉलिस्टर हैं वो एस्टर की जो यूनिट्स होती हैं वो रिपीट होकर और उनके बीच में बॉन्ड होता है, तो उसके द्वारा जो है ये पॉलिस्टर बनाया जाता है। पॉली मतलब बहुत सारे, और एस्टर यानी कि एस्टर की यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, पॉलिस्टर बनाती हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज, पॉलिस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, पॉलिस्टर जो फाइबर होते हैं वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्ट लॉन्गर, इसलिए इसके बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत ही लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो है ये इनको वॉश करने के बाद क्विकली जो है वो ड्राई हो जाएंगी। रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, सलवटें इनके अंदर नहीं पड़ती हैं, इसलिए इनके बने हुए जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं वो उनमें जो क्रीज होती है वो लंबे टाइम तक जो है वो बनी रहती है। अब इसके क्या क्या यूज हैं पॉलिस्टर के, फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें बनाने में, साड़ीज हैं, ड्रेस मटेरियल है, कर्टेन के जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विद अदर फाइबर्स, इनको जो है दूसरे फाइबर्स के साथ भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं इनको, जैसे टेरिलीन विद कॉटन, अगर हम टेरिलीन को जो है कॉटन के साथ ब्लेंड करेंगे तो क्या बन जाता है, टेरिकोट बन जाता है। अगर उसको वूल के साथ ब्लेंड करते हैं तो टेरी वूल बन जाता है। अब क्लोथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोर कंफर्टेबल, यानी ब्लेंड करने के बाद जो इनसे जो क्लोथ्स वगैरह बनते हैं वो उनको वियर करना जो है काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। फॉर मेकिंग सेल्स, फॉर सेल बोट्स के लिए जो सेल्स बनाई जाती हैं उसमें इनको यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग वाटर हाउजेज, फॉर फायर फाइटिंग के लिए, आग बुझाने के लिए जो वाटर हाउजेज होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं, और कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह बनाने में जो है इनको यूज किया जाता है।